चैनल एंड टूडेज ब्लॉग। तो अभी जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं हूँ चिज्जी लेने आई हूँ, चिज्जी मैं लेने आई हूँ मम्मी के लिए पाव भाजी और पताशी। मम्मी का मन करता, मम्मी ऐसे बोले तेरे घर पे पताशी ऑर्डर हो जाएगी क्या? मैं क्या मम्मी स्विगी जोमाटो करेंगे तो वो सही आधा एक घंटा लेंगे। तो यहाँ मेरे घर से थोड़ा सा मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप है, बेकरी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही अच्छी मिलती हैं, हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं पूरा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं लेके आती हूँ मम्मी के लिए पाव भाजी भी लेना आना है कि ठीक है। तो मम्मी के लिए पाव भाजी और बताशी लेने में आई हूँ, ऑर्डर दे दिया है, तैयार हो रही है। मम्मी आ जाओ। कैसा था आपका फर्स्ट डे? अच्छा कैसा था बेटा का स्कूल में फर्स्ट डे? बेटा इधर आओ। हाँ भेज देना आप मेरे को। मम्मी कह रहे सुबह स्कूल गई थी तो मम्मी ने वीडियो बनाई थी कि नानी ने आज तेल ज्यादा लगा दिया तेरे बालों में। परी स्कूल कैसा था आज? आपका स्कूल गए थे ना, क्या हुआ फिर स्कूल में? ठीक था? नहीं बच्चे मुझे पोते बोले थे। आपने आपने बोला था क्या उनको? पहले ही बताओ, सच सच बताना। बोला था आपने पहले? हाँ बोला था ना। देखो मम्मी मैंने कहा था ना, इसने बोला होगा पहले। कह रही बच्चे मुझे पॉटी बोल रहे थे ये, और वो जैसे एक दूसरे को बोलते गंदी छिछी होती है, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलना, टीचर डांटेगी। ठीक है आज तो आपका फर्स्ट डे था ना, इसलिए टीचर ने कुछ नहीं बोला। माजा लाए थे? कौन लाया था माजा आपके लिए? नानू लाए थे कल, मैंने रख दी थी छुपा के। बताओ मम्मी पताशी तो बनी बनाई रहती है, लेकिन पाव भाजी में टाइम लगा ना, इसलिए लग गया मेरे को 10-15 मिनट। हाँ मजा आया आपको स्कूल में? बहुत मजा आया। मजा आया। कल जाओगे वापस? कल जाऊंगी। जाओगे? और लंच किसने कराया आपको? बहुत सारा खाना खा लिया था, पूरा लंच फिनिश कर दिया था। टीचर ने खिलाया था क्या खाना? ओले इधर आओ मेरे पास आओ, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। मैं ना परी का बहुत बड़ा सारा लंच बॉक्स लाई थी तो सब मुझे कह रहे इतना बड़ा क्यों लाई है। फिर मैंने मम्मी को बोलते एक में खीरा डाल देना, एक में फ्रूट्स डाल देना, एक में दही और एक में पराठा। तो सारा खा लिया था मम्मी इसने, कुछ बचा के तो नहीं लाई? नहीं, तो मैम ने टीचर ने खिला दिए थे क्या बेटा को? टीचर ने फ्रूटी यम्मी है, फ्रूटी यम्मी है, पी लो। इसको इसको किसमें डालो? कटोरी में डाल लो। अब अगर आप खाओ तो मैं तो खाऊंगी नहीं, वो चटनी नहीं होती है जो पाव भाजी के साथ देते हैं वो है। इसमें है पताशी, मीठी मीठा पानी नहीं था, मीठी चटनी ले आई हूँ। पानी पानी के पताशे खाएगी परी? रुक जाओ डालने दो, रुको पानी है इसमें गिर जाएगा, रुक जाओ। परी इसको डस्टबिन में डालो बेटू, उठाओ। ये रही हमारी पताशी, ये है मीठी चटनी, क्योंकि मीठा पानी नहीं था, मुझे लगा परी नहीं खा पाएगी तो इसलिए। और ये मम्मी की पाव भाजी। चलो मम्मी टेस्ट करो और बताओ
कैसा लगा पाव भाजी में बनाने वाली है मुझे। खाने में मम्मी अच्छी बनाता है ऐसे तो, खैर बाकी आप देखो आपको अच्छी लगती है कि नहीं बेटा। रोटी पी लो पहले, बाद में खाना। बताशी भी खा के बताना कैसी लगी। वैसे नहीं है जैसे हम घर पे बनाते हैं ना। तो यार मम्मी घर की ये चीज़ तो घर की होती है। सही है, नींबू डाल लो। सही है, नींबू डाल लो। पहले तो ना आपका इंट्रो भी शूट कर दिया था। हेलो एवरीवन, तो अभी है ये नेक्स्ट डे, तो अभी शाम हो रही है। मैं नीतू जीजा और किरण जीजा हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने, क्योंकि हमारा बहुत दिन से मन था कटला जाने का, शॉपिंग करने का। आप लोग पता ही कटला में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पुरोहित जी का कटला, जो लोग जयपुर से हैं वो समझ गए होंगे, जो आउट ऑफ जयपुर हैं हम नहीं ले जा रहे आपको, जो आउट ऑफ जयपुर हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो जो जयपुर के पुराने मार्केट्स हैं बहुत फेमस, उनमें से है पुरोहित जी का कटला, जहाँ पे हर तरीके की चीज़ मिलती है, वेडिंग से रिलेटेड या फिर वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टफ मिलता है। तो उसी के लिए जा रहे थे। तो मम्मी क्या अपनी रेसिपी शूट कर रहे थे, मम्मी का मैंने ना इंट्रो भी शूट कर दिया था, बट हुआ क्या, मैंने ट्राईपोड सेट कर दिया मम्मी का इंट्रो शूट करने के बाद, तो मेरे ट्राईपोड का जो फ़ोन होल्डर होता है वो एकदम से टूट गया और मम्मी का सारी रेसिपी का प्लान फ्लॉप हो गया। मम्मी ने सब तैयारी कर ली थी अपनी बेसन के, तो मम्मी कह रही अब मैं भी तुम्हारे साथ कटला जाऊँगी। मैं कह रही आपको नहीं ले जाएंगे, है मम्मी इधर आओ तो सही, तू जा यहाँ से, मैं करा दूंगी यार आपकी। मम्मी कह रही तेरे यहाँ आई हूँ ना, तो मेरी रेसिपी भी शूट नहीं हो पा रही है, सारा मुझे तैयार करवा दिया और वो इतनी जल्दबाजी में, जल्दबाजी में मोबाइल को लगा रही थी तोड़। मैंने ना पहले सही से शूट कर दिया था, मम्मी के आगे हस्बैंड का फोन, यानी मेरे पापा का ट्राइपॉड नहीं लाई, ना कोमल का मिल जाएगा, पापा का फोन नहीं आता ना, तो मैंने सही से सेट कर दिया था। पापा ने गड़बड़ की, मम्मी पापा जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। मैंने सेट कर दिया था ट्राईपॉड, पापा का फोन आ गया तो मम्मी ट्राईपॉड से निकाल लिया, फिर वापस सेट करने लगे तो वो होल्डर टूट गया। पहले भी वो टूटा हुआ था, मैंने टेप से उसको जैसे तैसे एडजस्ट किया हुआ था, बट अब वो बिल्कुल ही टूट गया। बट मैं आपकी मम्मी की वीडियो नहीं, मैं बनवा दूंगी आपकी, डोंट वरी। मैं कह रही हूँ मैं आके वहाँ से, मैं आके बनवा दूंगी, डोंट वरी। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, दो जीजा मिली है, एक किरण जीजा एक नीतू जीजा, और दोनों ही लेट लतीफ है। मैं देख लो इतनी दूर गोविंदगढ़ से आ गई, बाल भी धो लिए, रेडी भी हो गई, लेकिन वो दोनों नहीं पहुंची अभी तक, वेटिंग। पहुंच गए हैं कटला और पार्किंग में, हमें पता नहीं था, बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग की जगह मिली है, प्रॉपर पार्किंग। किरण जीजा, नीतू जीजा, से हाय टू माय व्लॉग। कल कितने बेकार लोग हैं। आ गए हैं कटले के अंदर, वीडियो शूट कर ली हमारी, और अब शॉपिंग कर रही हम लोग, और मैं खींच रही हूँ खुद की फोटो। खींचो खींचो गोल्डन के ऊपर से ले लो आप भी कुछ, चार मैं लूंगी मेरे बच्चों की शादी में, ठीक है। हाँ, मेरे बच्चों की शादी में, भाई की तो हो गई ना। बोल रहा है कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं क्या, आप इंटरेस्ट लो सामान में, तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो मेरे इंटरेस्ट की चीजें ही नहीं है ये, अभी हो गया हमारे घर में सारे काम, शादी ब्याह वाले। मुझे कुछ हम आप पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी एंड वड़ा पाव, जो कि हमें इतना अच्छा नहीं लगा, मज़े नहीं है, बट भूख लग रही है। सो खाना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, ऐसे बोलना चाहते हैं। और वो सेक रहा था ना, तो मैं देख भी रही थी, मुझे लगा अपना नहीं बना रहा, क्योंकि मैं प्लेन बोल के आई थी उसको। खाना बनाना पड़ेगा। हे गाइस,
गाइस, तो हम लोग आ गए घर पे और इतनी भयंकर थकान हो गई है ना, इतनी भयंकर, क्योंकि मैं स्कूल भी गई थी सुबह 5:30 बजे उठ के 6:30 बजे स्कूल जाना। वो तो ये अच्छा है कि अभी मम्मी आए हैं तो खाना वाना सब मम्मी बना लेते हैं, नहीं तो भयंकर ही रेल बन जाए मेरी। सुबह उठो, खाना बनाओ, स्कूल भागो, आके फिर मार्केट जाओ, मार्केट जाके फिर खाना बनाओ, वो सोच के ऐसा लग रहा है। बट कोई नहीं, हो गई सब चीज़ें मैनेज। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।